ये अशरा अरबईन का इनेबाद ये वो
इंसान को जिंदगी में ऐसे काम करने चाहिए कि इंसान बेशक दुनिया से चला जाए लेकिन उसका काम आए अहमाल अपना हो। और हमारे से रमदान और सलाम का एक सास साथी है जिसको आपने ये इशार फरमाया था कि नेकी करने के बहाने ढूंढा करो। वो यार चलो इकट्ठे बैठे तो ये रास्ते में रुकावट है सर इसको हटा दे। चलो यार इकट्ठे बैठे हैं तो यार एक नवाई सुना दो हमें थोड़ा बहुत कमी कर। यार इकट्ठे बैठे हैं आज माना खुशी का दिन में यार कोई वसीला ही सुना दो तो फजीलत की बात सुना दो। जी यार वो मोमिन गरीब है उसको माली मदद की जरूरत है जरा थोड़ा थोड़ा अपने जेब खर्च से पैसा इकट्ठा करो उसकी मुश्किल हल हो जाएगी। यानी नेकी करने के बहाने ढूंढा करो। जी उन्हीं नेकियों में से जो भी नेकी बजा लाओ बार बार ताकीद है कि ये दुआ किया करो कि अल्लाह उसको कबूल करो। ये भी मासूम का फरमान है कि ना कभी किसी नेकी को छोटा समझो और ना कभी किसी गुनाह को मामूली समझो। जब ये छोटी सी नेकी तुम्हारी निजात की जामिन बन सकती है और कभी एक छोटा सा गुनाह तुम्हारी बर्बादी का बायस बन सकता है। लिहाजा नेकियां जितनी भी हैं यकीनन दुआ करनी चाहिए कि मौला उसे कबूल फरमाए। रियाकारी भी आ जाती है आखिर इंसान है लेकिन रियाकारी से सख्ती से मना किया गया। रोजे कयामत इंसान के सामने उसका नामा आमाल आएगा देखेगा कहे मौला मैंने तो फला काम भी किया था फला नेकी भी की फलानी थी इसमें तो कोई नहीं तो जवाब मिलेगा जिसके लिए किया था उससे जाके पूछो अगर मेरी खुशबूदी के लिए किया था तो वो इसमें होना चाहिए। जी तो लिहाजा में कई मतबा ये बार बार इसके जिक्र इतना जिक्र तनफर मोमिनीन कुरान की है तो हर जुमा में भी आप सुनते हैं। इसलिए कहता हूं कि ये याद दहानी जो है मोमिन को फायदा पहुंचाती है। कुछ काम ऐसे हैं कि जिसमें दिखावा जो है वो भी इबादत है। दिखावा जो है वो भी इबादत है। मिसाल के तौर पर तहज्जुद के बारे में है कि अकेले पढ़ो घर में पढ़ो किसी को पता ना चले। सदका खैरात देना चाहते हो तो दाएं हाथ से दो बाएं को पता ही ना चले लेकिन नमाज फरीजा मस्जिद में अदा करो। अब जब मजलिस या मस्जिद में आएंगे तो नजर नहीं आएंगे कि ये शमसी साहब है ये बुखारी साहब है ये वसीम साहब है मुझे जाफर साहब है ये फला है सारों को देख रहे हैं। जी कोई कोई से पूछेगा भी आज कौन कौन मजलिस में आया तो बताऊंगा फला भी आया फला भी आया तो इसमें दिखावा तो आ गया। यही सूरत हाल नमाज की है कि नमाज जमात यही सूरत हाल ज़कात देते वक्त एक सदका खैरात है एक ज़कात वाजिबा है कि जब ज़कात वाजिबा अदा करो तो लोगों को बोला लोगों को पता चलना चाहिए कि जनाब फलां साहब ज़कात दे रहे हैं क्यों ताकि उसको भी शौक पैदा हो कि अगर वो खुमस ज़कात दे के फकीर नहीं हुआ तो मैं भी नहीं होगा। जी वो ज़कात दे के अपने माल का बीमा कर रहा है जनाब ज़ारा सलाम अल्लाह ने ये जमानत दी है कि जो ज़कात अदा करता है गोया उसने अपने माल के जुए नष्ट करवा दी वो माल जाया नहीं होगा। तो ये चीजें ऐसी हैं जिसमें दिखावा हो लेकिन मजलूम करबला की अदादारी के लिए
ये तो हुक्म खास आ गया कि मम बका औ अबका औ तबा कामा जब तौल जन्ना, कि जो कभी उसे में रोया या रुलाया या रोने की ऐसी सूरत बना दी उस पे जन्नत वाजिब हो गई जी। ये सूरत बनाना रोना तो नहीं है, दिखावा है जी। लेकिन इसीलिए मैं अर्ज किया करता हूं कि मजलिस हुसैन के लिए अफराद की किल्लत और कसरत कोई मेयार नहीं है। हमने ये मेयार बना लिए, बेशक बहुत बड़ा मजमा होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए, ये भी लश्कर इस्लाम की अजमत को उजागर करने का बायस बनता है। मिसाल के तौर पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का मुकर्मा फतह करने के लिए मक्का पे चढ़ाई करते हैं तो मक्का के चारों तरफ पहाड़ों पे अपनी फौज को फैला देते हैं जी, और हर फौजी को हुक्म देते हैं कि तुमने दो अलाव जलाने हैं आग के, सर्दी होगी थोड़ी सी, एक चूल्हा नहीं जलाना, दो जलाने हैं। पूछा गया मौला ये क्यों, क्या वो पक्के का दुश्मन जो देख रहा है ना, जब उसे इतने कसरत से आग के अलाव नजर आएंगे तो उस पर असर पड़ेगा, वो इतने लोग तो है ना, यानी 10,000 की जगह 20,000 दिख रहे हैं, तो इसलिए चीज जो है दिखावे के लिए। जब मसलन ये खिताब को हुक्म दिया गया कि भी खिताब करना सुन्नत है, क्यों, इसलिए ताकि दुश्मन के रोक पड़े के आने वाले तो सारे जवान है यार जी, सुबह दाड़ियों वालों को देख के लिए बाबे बूढ़े क्या करेंगे, तो ये शरीयत ने बस औकात को चीजों को दिखाने की तरफ भी मुतवज्जे किया है जी, ताकि इससे लोगों में रगबत पैदा हो। अजादारी मजलूम करबला नजरों नियाज का सिलसिला या बाकी कार है खैर जो है बेशक उसमें दिखावा हो लेकिन दुश्मन उससे डरता है। अभी मैं गवर्नमेंट पंजाब का आर्डर पढ़ रहा था जी कि मशीन जो है वो रोक दी जाए जी, नया जुलूस ना निकलने दिया जाए जी, तो गोया कि पहली मरतबा लफ्ज़ मशी जो है वो पूरी हुकूमत के कानों तक जा पहुंचा कि मशी भी कोई होता है जी, हर अहलकार को ये हुक्म पहुंचा दिया गया। हमारा तो मकसद है लोग जी, जिस फौजी को जिस सिपाही को जिस जमादार को भेजोगे कि ये मशी वालों को रोकोगे, पहले तो वो पूछेगा मशी होती क्या है, हम भी यही बताना चाहते हैं। जब उसे कहा जाएगा कि इमाम हुसैन के इश्क में पैदल चलने का नाम मशी है तो इमाम हुसैन का भी तस्करा हो गया, भी क्यों रोक रहे हैं, ये तो पैदल जा रहे कुछ करने वाले नहीं है, तो पैगाम तो पहुंच गया जी, तो क्या ही बेहतर हो कि ये रास्ता ना रोका जाए और लोग आराम से इज्जत तकरीब के साथ जा रहे हैं, यहाँ तो मातम भी नहीं करते, खाली अलम उठा के चल पड़ते हैं, अलम भी नहीं होता, नंगे पांव चले जाते हैं, काले कपड़े पहने होते हैं, क्या पाकिस्तान की सड़कों पर चलना भी गुनाह है जी। अगर हम दाता दरबार का रुख कर लें फिर तो मशीनें ही होगी जी, हम करबला कामे शाह का नाम ले लें, हम पीर पाक दामना का नाम ले लें क्योंकि इसमें हुसैन आ जाता है जी, दुश्मनी हुसैन से है, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए मेरे भाइयों मैंने कल भी ये सख्त बातें अर्ज की थी कि आपका ये जमा होना, मुझे पता है कि बच्चे शरारतें कर रहे हैं लेकिन अब जब फोटो बनेगी यहां से कहीं फोटो बनाए तो ये सारे नजर आएंगे कि नहीं आएंगे जी, नहीं होंगे तो गिनती कितने चार लोग मजलिस तो अकेले ही मैं बैठ के पढ़ लूंगा, क्योंकि जाफर साहब से मजाक कर रहा था यार तुम यहाँ बैठ जाओ मैं तुम्हें सुना देता हूँ जी, मजलिस के इसमें मसला नहीं है। सवाल तो ये कि दुश्मन को ये पैगाम दो कि हुसैनी जिंदा है, यजीदी अपनी सारी कोशिश कर ले कि नाम हुसैन को मिटा दे, नाम हुसैन नहीं मिट सकता। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।
ये बता दिया कि मसीह की होती है, वो मसीह होती क्या है, इमाम हुसैन के चेहरों पे पैदल चलना होता है। वो चेहरों क्या होता है, इमाम हुसैन को शहीद हुए 40 दिन हो गए हैं। ये इमाम हुसैन कौन है जी, ज़हरा का बेटा है, अली का बेटा है, रसूलल्लाह का नवासा है जी, उसकी मोहब्बत में इसमें ये लोग पैदल चलते हैं। पैगाम तुम्हारा पहुंच गया जी, यही पैगाम तो दरबारे शाम में इमाम सज्जाद ने दिया था, जनाब ज़ैनब ने दिया था कि यजीद अभी पता चल जाएगा जब अजान का वक्त होगा जी, अगर तेरे नाने की अजान की आवाज गूंजी तो तू मकसद में कामयाब हो गया, अगर मेरे नाने की अजान गूंजी तो मैं कामयाब हो गया। और जब बेवक्त मस्जिद से सज्जाद का खुतबा रोकने के लिए अजान को कहा रहा मस्जिद ने, जब अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहा तो उसी मस्जिद को मुखातिब करके कहा तुझे इसी मोहम्मद का वास्ता, चुप हो जा। और फिर यजीद को मुखातिब करके कहा कि बताओ ये तेरा नाना है या हुसैन का नाना। फरमाते हैं कि बातिल के जरिए गलत तरीके से कामयाबी हासिल करना कामयाबी नहीं है, सही तरीके से कामयाबी हासिल करने का नाम कामयाबी जी। हुसैन ने तो फतह कामयाबी का तसव्वुर ही बदल के रख दिया था जी। वही बात हुई ना यजीदी कर्बला से कैदियों को लेकर जिस तरह मुस्तरद रिवायत है वो नक्शा भेजा है आपके सामने कि किन किन शहरों से लेके यजीदी आले मोहम्मद को शाम पहुंचे थे। अपने तौर पर तो वो ये नहीं जानते कि निकले थे कि हम इतने शहरों से गुजारेंगे, तनाउज बिल्ला मिनजा, लेकिन इनकी तजलील होगी, इनकी हौसला शिकनी होगी, इनको हकारत की निगाह से देखा जाएगा। लेकिन जिस शहर से गुजरते थे जिनको नहीं पता था उनको भी पता चल रहा था कि ये तो बतूल के बेटे कत्ल कर दिए गए, ये तो रसूल जातियां हैं, आपने तो अपने रह गए। ईसाइयों ने भी चादरें पेश करना शुरू कर दी, वो भी सामने आकर ये हाँ तक कहना शुरू कर दिया कि तुम्हें शर्म नहीं आती कि ये उसी फातिमा की बेटियां हैं जो मुबाहला में हमारे मुकाबले में आई थी और हमारे बुजुर्गों ने उसको आता देख के शिकस्त तस्लीम कर ली। इसीलिए हजरत इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह का ये फरमान ऐन हकीकत है कि हमें हुसैन में बहने वाले आंसुओं से बड़े बड़े मुतकब्बिर और जालिम हुकूमतें डरती हैं। हकीकत में है तो ये बहने वाले आंसू लेकिन इतने ताकतवर हैं कि जालिम बादशाहों के तख्त और ताज को वहां के ले जाते। जब आप सड़कों पर निकलते हैं क्या आपके पास डंडे होते हैं, कलाशनकोफें होती हैं, असला होता है, क्या कभी आपने किसी की दुकान लूटी है, क्या किसी से कोई चीज छीनी है? कोई एक मिसाल दे दो। बच्चे आपस में लड़ पड़ते हैं एक चीजें छीनते हैं, यहां तो बच्चे भी नहीं छीनते बल्कि पानी की सबीले और गिलास भर के तबादक लेके खड़े होते हैं। और यानी यहाँ का अंदाज ही अजीब है कि अमीर गरीबों को खिलाते हैं लेकिन हुसैन के दरवाजे में गरीब है जो अमीरों को खाना पेश कर रहा होता जी। यदि आप देखिए अभी मशी जा रही है नजर से लोग करबला जा रहे हैं पैदल, कोई मोबाइल दे रही फोन लेके खड़ा है, लोग तुमने अपने प्यारे को फोन करना है तो फोन कर पर। तो खिलाल लेके खड़ा है कि लो जनाब अगर आपने अपने दांत साफ करने हैं तो ये ले लो जी। कोई किसी के जूते साफ करने के लिए बैठा है, कोई किसी को मसाज करने के लिए खड़ा है, कोई किसी को कंधों पे उठा के चलने के लिए खड़ा है जी। तो ये सारी चीजें क्या दुनिया आप कहां छुपाएंगे? ये बशी का लफ्ज तो पहले हमारे यहां इस्तेमाल नहीं होता था, अरबी का लफ्ज है, इसके मानी है पैदल चलना जी।
तो जब से गए हुसैन मजलूम के आशिक और परवाने जो है वो नजफ से करबला की तरफ, कूफा से करबला की तरफ, बगदाद से करबला की तरफ, अब तो मशहद से करबला की तरफ और पत्नी कहां कहां दूसरे मुल्कों से पैदल चल के जा रहे और ये आहिस्ता आहिस्ता लोगों को रास्ता दिखला रहे हैं। दुनिया वालों, अगर इमाम ज़माना का कैपिटल देखना चाहते हो तो आओ हम तुम्हें ले चलते हैं, वो कूफा से शुरू होता है करबला तक रहता। जी जब इमाम आएंगे, अभी चंद पहले स्कूल की किताबों में यही बात आ गई जनाब के जो दुनिया की मशहूर मसाजिद है, मैंने लिख दिया कि मस्जिद कूफा की है, मस्जिद हराम भी है, मस्जिद अक्सा भी है, मस्जिद नबी भी है, मैंने मस्जिद कूफा भी लिख दिया। यारों को तकलीफ होने लगी कि ये मस्जिद कूफा कहाँ है, कि दुनिया की वो सबसे पहली मस्जिद है जिसमें फरिश्तों ने आदम के सामने हुक्म खुदा से सजदा किया। दुनिया की वो पहली मस्जिद है जिसमें अंबिया के घर है। मुझे याद है कि एक प्रोटोकॉल ऑफिसर मुझे मस्जिद कूफा की ज़ियारत करा रहा था, तो चलते चलते जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम के घर में पहुंचे ना, जो वहां उनका निशान बना हुआ था, तो कहना शेख रुक जाओ, रुक गया था कि इस वक्त हम हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बैत में घर में है। अच्छा फिर क्या हुआ, कहा क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम दुआ मांग रहे हैं, रब्बि फिर ली वाले वाले दैया वाले मन दाखला फी बैतिया, मेरा कि मेरा अल्लाह मुझे माफ फरमा दे, मेरे माँ बाप को माफ फरमा दे और जो जो मेरे घर में दाखिल हो जाए उसको माफ फरमा दे। और नूह नबी जो आदम सानी कहलाता है, अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं करता। इस वक्त हजरत नूह के घर में खड़े होकर हम हजरत नूह की दुआ का हिस्सा बन गए। तो गिरामी इसी तरह ये बात भी मैं अर्ज करता चलूं, हजरत इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम ये रिवायत नकल हुई है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन अपने असहाब को बुलाया और बुला के फरमाया कि ओ मेरे असहाब, क्या मैं तुम्हें इस दुनिया में जन्नत के बागात के एड्रेस बता दूं कि कहां कहां जन्नत का बाग है। कहा या रसूल अल्लाह इससे बेहतर क्या है। जी फरमाया शर्त है, शर्त क्या कि जब उस बाग में पहुंचो तो जी भर के चरो फिरो। अब ये तशरीह दी गई, अब आप तो मोमिनीन हैं, आजादार हैं, आप तो दुनिया के जन्नतों से न सिर्फ वाकिफ हैं बल्कि उनकी ज़ियारत भी करके आए। आम मुसलमानों को तो सिर्फ एक ही रियाज़ो जन्नत का पता है और वो मस्जिद नबी में है। जी कि रसूलल्लाह ने फरमाया मा बैना कब्री वा मिंबरी रौज़तु मिन रियाज़ जन्नत, कि मेरी कब्र और मेरे मिंबर के दरमियान का हिस्सा जो है जन्नत के बागात में से एक बाग है जिसे आजकल सऊदी अरब वालों ने बंद कर रखा है कि इस बाग में दाखिल नहीं हो सकते। जी लोग वहां टूट टूट के दो दो रकअत नमाज पढ़ते हैं कि ये जन्नत का टुकड़ा है, लेकिन मुसलमानों का भी सोचा है कि ये जन्नत का टुकड़ा बन कैसे गया। पूरी मस्जिद नबी जन्नत का टुकड़ा नहीं बन सकी, ये छोटा सा हिस्सा टुकड़ा कैसे बन गया, जरा नक्शा ज़हन में रखिए। ये हिस्सा जो है जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के घर के सामने मौजूद है, जिसे हम यूं कह सकते हैं कि जनाब ज़हरा के घर का ज़हन था, आंगन था, जिसमें हसनैन करीमैन खेला करते थे। उनके खेलने के नतीजे में अल्लाह ने उसको रियाज़े जन्ना बना दिया कि जन्नत के बागात में से एक बाग है। तो हसनैन ग्रामी जिस जगह जहरा के बेटे खेले कूदे वो जन्नत बन जाती है, तो जहां वो रहते हो। जी करीबी जन्नतुल बकी है, जन्नतुल बकी जन्नत का टुकड़ा, मक्का मुकर्रमा जन्नत मुअल्ला जन्नत का टुकड़ा। जी ये भी आप सभी जानते हैं कि हर मासूम का रौजा जो है, रौजा इसलिए कहा जाता है उसका, इसलिए कि वो रौजा तो
मेरे आज जन्नत। हर इमाम की कब्र जो है वो जन्नत के बागात में से एक बाग है। करबला जन्नत है, मशहद जन्नत है, मदीना जन्नत है, सामरा का अजमेर जन्नत है। तो जो है ना भाई जी, ये तो एड्रेस आपको पता है, सारे चीजों को तो बताने की जरूरत ही नहीं है। इन बागात की बात रसूलुल्लाह नहीं फरमा रहे थे। पूछा गया रसूलुल्लाह वो कौन कौन से बागात हैं, तो फरमाया हर वो जगह जहां मेरी उम्मत के लोग मेरे मुहिब मिल बैठ के मेरा और मेरे अहले बैत का तज़किरा करेंगे, जिक्र करेंगे, मजलिस करेंगे, वो जगह आम जगह नहीं रहेगी, वो जन्नत के बागात में से एक बाग बन जाएगा। जब उस बाग में जाओ तो जी भर के चलो फिरो। क्या मकसद के जो पैगाम आले मोहम्मद पहुंचता है उसको गौर से सुनो, समझो, उस पर अमल किया करो। तो लिजा मेरे भाइयों, आप अपने घर को भी जन्नत बना सकते हैं, शर्त के वहां पर जिक्र मोहम्मद आले मोहम्मद की महफिल सजाना शुरू कर दो। जी तो जरा याद रखिए, ये जगह जितने भी चलते जाए हैं, जहां जहां आपका कदम पड़ता है वो जमीन का टुकड़ा तुम्हारी नीयत के मुताबिक गवाह बन जाता है कि मजलिस हुसैन के लिए जा रहा है, और ये मजलिस हुसैन के आजादार के पांव के निशान है, वो उसको हमेशा के लिए महफूज कर लेती है। दुनिया का कोई तूफान, झगड़ा, झक्खड़, सैलाब उसको मिटा नहीं सकता। जब रोजे कियामत तुम्हारा नामा आमाल पेश होगा तो ये कदम पढ़ पढ़ के गवाही देंगे कि देखो ये इमाम हुसैन की मजलिस के लिए जा रहा है। जी कुरान कह रहा है ना कि जबान पे दो ताले लगा दिए जाएंगे, जबान नहीं बोलेगी, आजाब बोलेंगे। जी लेकिन कितना करीम है हमारा आका इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, तौबा करने वाला ऐसा जैसे उसने कोई गुनाह किया नहीं। जब सच्ची तौबा कर लेता है ना तो अल्लाह उन लोगों को निस्यान में मुब्तला कर देता है जिन्होंने उसे गुनाह करते देखा था, ताकि ना उसे वो याद रहे ना वो उनको याद दिला के जलील करे। और वो जमीन के टुकड़े जिन पर उसने वो गुनाह किया था उन टुकड़ों को हुक्म देता है रब्बे करीम कि इसके गुनाह के निशान मिटा दो, ताकि रोजे की आमद ना निशान होंगे ना तू गवाही दे सके। लेकिन नेकी के निशान आप देखो ना, मस्जिदों में कई लोग दो रकात उधर पढ़ते हैं, दो रकात उधर पढ़ते हैं, दो रकात उधर पढ़ते हैं, उसकी असल वजह यही होती है कि रोजे की अमल वो टुकड़ा भी गवाही दे, वो टुकड़ा भी गवाही दे, वो टुकड़ा भी गवाही दे। तो इज़्ज़ते गिरामी जो कदम कर नजफ से करबला चल के जा रहे हो जी, उन निशानों को कौन मिटा सकता है? उनकी तो निस्बत हुसैन के साथ है। तारीख गवाह, 14 सदियां गुजर चुकी हैं, हुसैन और हुसैनियत को मिटाने वाले मिट गए, लेकिन हुसैन आज भी जिंदा है। आजकल तो सोशल मीडिया पर पुरानी तस्वीरें लोग लोड कर रहे हैं कि ये फला साल की तस्वीरें करबला की, ये फला, और उसको आप मुआजना करके रख लो, हुसैन आगे बढ़ा है या हुसैन पीछे किया है। हुसैन का निशान खत्म हो गया है, दुनिया में जगह जगह हुसैन के निशान आज कायम हो गए। बनी उमैया ने चंद खैमों को नजर आतिश किया था, आज कैलाश की इमाम बारगाह है कायम है हुसैन, नहीं तो और क्या है जी। पूरी कायनात को हुसैन ने अजा खाने में तब्दील कर दिया। अभी अरबाइन पे कम तादाद है, लेकिन इतनी कम तरी फिर लाखों की सूरत में है जी, लाखों तो वो है। अब जिनको ये मशीन से रोका जा रहा है, जिस जिसने इरादा कर लिया है जी, क्या वो करबला वालों को सलाम नहीं करेगा कल सुबह या परसों सुबह जी? रोक लो तुम ना, इस जबान पे पहला आदेश लगा सकते हो ना दिलो दिमाग को कंट्रोल कर सकते हो।
इमाम ने तुम्हें कह दिया वही घर से घर की छत पे खड़े हो जाओ और कर्बला करो, करके सलाम अलैका जवाब दिला कह दो, हम आपके सलाम को सुनेंगे, आपके सलाम का जवाब देंगे और अल्लाह तुम्हें उसे एक सलाम के बदले में 70 मकबूल हज का सवाब अता करेगा। रोक लो हमें, किधर किधर रोकोगे जी? चलो तुमने इंसानों को रोक लिया, फरिश्तों को रोको, वो भी हमें हुसैन मनाते हैं। कल भी मैंने रिवायत बयान की थी कि जो गमी हुसैन में गिरिया करता है उस पे आसमानों, 7 आसमानों और 7 जमीनों की मखलूक जो है वो इमाम हुसैन पे गिरिया करती है जी। और ये भी बयान किया था जो ये चाहता है कि मेरा घर जन्नत में मोहम्मद और आले मोहम्मद के घरों के साथ बने, तो इमाम रिज़ा ने फरमाते थे कि फिर मेरे जद्दे हुसैन मजलूम के कातलों पे लानत किया करो जी, जितनी लानत करते जाओगे उतने महल जन्नत पे बनते जाएंगे। आप रोक लो, ये तो दिलों के सौदे हैं जी, ना लाओ जबान पे, दिल में इरादा कर लो इतना ही काफी है। ऐसा नहीं करा भी फिर मेरी बुरी दरख्वास्त होगी। एक शख्स इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ, पूछा ज़ियारत के लिए जाते हो? वाला मैं जरा मशहूर आदमी हूं, हर बंदा मुझे जानता है, अगर 2 दिन के लिए गायब हो गया तो लोग ढूंढने लग जाएंगे फलां किधर गया, तो उनको पता चल जाएगा मैं कर्बला किया हूं, तो सारे हुक्मरान देव मुझे अजियत पहुंचाएगा, तकलीफ होगी, इस डर के बारे में कर्बला नहीं जाता। तो आपने क्या फरमाया था, अगर तुम ये चाहते हो तो मेरे दादा हुसैन की बगैर खौफ खतर के ज़ियारत कर लो ठीक, नहीं ये तो वो खतरात से भी टकराना पड़ेगा, खतरात का मुकाबला करना पड़ेगा। और रुतबा क्या है ज़ाहिर हुसैन का कि ज़ाहिर ज़ियारत करके आता है, इमाम सादिक अलैहिस्सलाम खुद चल के उसके घर में जाते हैं, आप और मेरे घर में, कहा कि तू मेरे जद्दे मजलूम की ज़ियारत करके आया जी, मैं तेरी ज़ियारत करने आया और तुम्हें ये खुशखबरी देने के लिए आया हूं कि मेरे दादा हुसैन की ज़ियारत के बदले में अल्लाह ने तेरे सारे गुनाह माफ कर दिए हैं, अब गोया कि एक नई जिंदगी तुमने शुरू कर दी। तो मेरे भाइयों, मैं यही अर्ज किया करता हूं, एक तो तवस्सुल मोहम्मद और आले मोहम्मद को तर्क नहीं करना और एक कर्बला को नहीं छोड़ना। दिन बहुत करीब आ रहे हैं, हालात बदल रहे हैं ना, दुनिया का रुख। अभी जब मैं कर्बला में था तो वहां मुझे हमारे सिंध के एक वजीर साहब है, सैयद है, उनकी एक टीम जो है वो चाह रही थी कि हम नजफ से कर्बला तक टीम के दरख्त लगा दें ताकि चलने वाले जायरीन को साया मुहैया हो जाए। मुझे इराक ने तो वीजा दे दिया लेकिन ईरान वाले अभी वीजा नहीं दे रहे, क्या मैं नहीं देता, मैं उनको वीजे लेके दी जी। अब की शौक किसने पैदा किया कि पाकिस्तान से वो 20-25 हजार के कितने पौधे वो बता रहे थे पहले पहले में ले कि हम इराक का बॉर्डर क्रॉस कर चुके हैं, शौक किसने पैदा किया है? ये तैयारियां हो रही हैं, ये बिल्ड हो रहा है, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का कैपिटल, उसकी ताबीर शुरू है। नजफ और कर्बला के सेंटर में एयरपोर्ट का कायम होना किस चीज की दलील है? इमाम ज़माना के कैपिटल तैयार हो रहा है, क्योंकि जब आप तशरीफ लाएंगे मस्जिद कूफा में तो सबसे पहले खलीफा खुदा आदम अलैहिस्सलाम का कैपिटल था और अब आखिरी खलीफा खुदा इमाम महदी अलैहिस्सलाम इस पूरे दौरे खिलाफत को मुकम्मल करके वहां पहुंचेंगे, नमाज जुमा पढ़ाएंगे, मस्जिद छोटी पड़ जाएगी, असाबत करके वाला मस्जिद छोटी है तो हुक्म देंगे कूफा से कर्बला तक मस्जिद बनाई जाए, मस्जिद बनेगी इसका 1000 दरवाजा होगा तो इमाम ज़माना का कैपिटल बनेगा जी। तो अब आप देख रहे हैं कि दुनिया की सबसे लंबी नमाज जमात
नजफ़ करबला इमाम ज़माना के कैपिटल में हो रही है। दुनिया का सबसे लंबा दस्तरखान नजफ़ और करबला इमाम ज़माना के कैपिटल में हो रहा है जी। और ये लोग सुना करते थे कि जनाब असाबे इमाम जो है वो रात को मशरक में होंगे और सुबह इमाम के पास पहुंचे हुए होंगे। उस वक्त से नहीं मानता था कैसे चलेंगे, रूहानी ताकतें भी हो सकती है लेकिन जहरी वसाइल ये बता रहे हैं कि वसत करबला और नजफ के दरमियान एयरपोर्ट का जो एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है उसका बनना भी इस बात का पैगाम है कि ये इमाम जमाना के कैपिटल की तैयारियां शुरू हो गए जी। और ये भी अक्सर असलिया करता ये भी कल की हदीस का हिस्सा था जो इमाम रिजा अलैहि सलाम ने फरमाया था कि ये दुआ मांगा करो या अल्लाह इन तकुन नामा कुफारा फुजा फौज नजीमा एकाश हम रोजे आशूर करबला में होते जिस मंजिल पे आप फैज हुए हम भी फैज हुए होते। इमाम फरमाती ये दुआ मांगा करो जी। ये जो दुआ करते कि अल्लाह हम जमाना के सिपाहियों में बना दे फिर लोग परेशान हो जाते 313 तो कमांडर हैं जी जिनमें 50 खवातीन होंगी। हर कमांडर की कमान में पब्लिक कितने लाखों करोड़ों लोग होंगे अरबों लोग होंगे। लिहाजा मायूस नहीं होना है ये दुआ करते हुए कि अल्लाह इमाम ज़माना के सिपाहियों में हमें शुमार कर दे हमें दारू कशों में ही शुमार कर दे तब भी हमारे लिए बायस सहादत होगा। और याद रखिए दुनिया की दो जमीनें ऐसी हैं जिनमें मुसलसल अल्लाह की तरफ से लुत्फ करम और नेमतों का सिलसिला जारी है। एक नजफ शहर जहां से मुसलसल ये दूर नजफ पैदा हो रहा है, कोई पहाड़ नहीं है, बारिश बरसती है, मुंजमद होता है, लोग उठाते हैं तराश के तुर बना के तुम्हारे सामने रख देते हैं, आंसू फरमाते हैं इसको देखना अंबिया की ज़ियारत के सवाब के बराबर है जी। नजफ से तुर पैदा हो रही है वो अली जिसका वो तो आपका हाथ है उसकी तो आपका जी आलम है कि वहां से मोती निकलते जी। और दूसरी मट्टी करबला की मट्टी है जिसमें सिवाय मौत की शिफा मौजूद है जी। यकीन जानिए मैं अभी मतलब मौलाना पास अलैहि सलाम के हरम में कोई तकलीफ होगी घुटनों की तो व्हील चेयर पे जाने लगा तो वो रास्ता आगे नहीं चल रहा था तो एक खादिम ने मुझे रोक लिया ताकि ये नीचे यही रख दो थोड़ी सी तकलीफ करिए मैं आपको खाके शिफा देता हूँ जेब से निकाल के खा ली खा लो और जब जब मैं गया तो वापसी पे व्हील चेयर की जरूरत नहीं थी मुझे। तो ये खाके शिफा है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कि उस पे मुसलसल शिफा मौजूद है तो लोग आज तक उस मट्टी को नहीं पहचान सके जिसमें हुसैन और असहाबे हुसैन का खून शामिल है, जिसमें हुसैन के जुल्मा का खून शामिल है। खुद मकाम हुसैन को क्या समझेंगे, करबला वालों को क्या समझेंगे जी। वो तारीखी इमारतें बन रही है सिर्फ करबला के हरम की और उसके कि दुनिया हैरान हो रही है करबला कैसे तब्दील होता जा रहा। तो याद रखिए मेरे भाइयों दुनिया लाख चाहे यजीद के अपनी पूरी कोशिश कर ले कि करबला को मिटा दे, करबला वालों को मिटा दे, हुसैनियों को मिटा दे, हुसैन वालों को मिटा दे, खुद मिट जाएंगे ये नहीं मिटेंगे। कौन सी जगह है जहां पर हमारे स्कृति में सबसे ज्यादा खतरनाक अफगानिस्तान समझा जा रहा था ना जी। हालात रुख बदला आपने देखा जितना पुरअमन तरीन आशूरा मुहर्रम अफगानिस्तान में हुआ है दुनिया में कहीं भी नहीं हुआ। तो मेरे भाई याद रखो हुसैन को नहीं छोड़ना, आशूर की अपनी असमत है लेकिन अरबईन की जियारत जो है उसकी हाजिरी को इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने मोमिन की निशानी करार दी। और ये माओ इराकी जो है आशूर पे सलाम करके चला जाता है, आशूर का दिन अपने घरों में मनाता है लेकिन अरबईन का मौका होता है इराकी अपने घर छोड़ के सारे करबला में मौजूद होते। हमारे अहदुल उजमा सैयद शिराजी
फरमाने लगे कि एक दफा आपने चोरों से डाकुओं से ये कहा कि तुम्हारा काम तो लूटना है, तो जेलों से बेहतर मौका लूटने का क्या हो सकता है कि सारे लोग घर छोड़ के इमाम हुसैन के पास करबला भी होते। तो आगे से जवाब मिला, हम चोर जरूर है लेकिन इमाम हुसैन के जहरों को लूटने वाले नहीं। फिर भाइयों इस अजमत इस नेमत को पहचानो कि खुदा ने आपको अता की दुनिया से मारूम है जी, लेकिन पैगाम हुसैन तो दुनिया के कोने कोने में। तो आप रोक ले सोशल मीडिया पर ठगाठग जा रही चीजें, जितने सारे जा रहे हैं, कोई कह रहा है कि मैं भी करबला में हूँ, कोई कह रहा है मैं कब क्यों, कोई कह रहा है मैं काजमैन में, कोई कहता है कि मैं लंदन से करबला पहुंच गया, कोई कहता है लाहौर से करबला पहुंच गया। सोशल मीडिया में आप देख रहे हैं स्टेटस लोगों के, ये पैगाम नहीं तो और क्या है। तो इसलिए मेरे भाइयों मुस्बत अंदाज में चलो, ये जरूर कहूंगा पॉजिटिव चलो, पैगाम हुसैन पहुंचाओ अच्छे अंदाज में पहुंचाओ, क्योंकि गलत काम गलत तरीके से ये यजीदियत के कारनामे हैं, हुसैनियत के नहीं। हुसैन ने अमन का पैगाम दिया, हुसैन ने जुल्म का मुकाबला मजलूमियत के साथ करना सिखाया है, हुसैन ने प्यास का मुकाबला सब्र के साथ सिखाया है। हुसैन तो फिर भी मर्द थे, हुसैन के साथ जाने वाले बच्चे बच्चियां औरतें, कोई तारीख मुझे उठा दो जिसमें ये लिखा हो कि किसी बच्चे ने भी शिकायत की हो कि मौला आप हमें करबला में क्यों लेकर आए, या किसी बच्चे ने भी यजीद से ये कहा हो कि हमें छोड़ दो। नहीं, रिजन बेकदा ही बतसली मन लिया फिर अल्लाह तेरी रिजा पे राजी, तेरे हुक्म के सामने सर निगो। ये हुसैन इब्ने अली और ये हकीकत है मेरे भाई, ये अशिया उन असीरों की वापसी की अशिया। जरा चश्मे तसव्वुर में लाइए कि सज्जाद चंद बीवियों और बच्चों को देख कहीं करबला के करीब पहुंचने वाला, कल मैंने अर्ज किया था ना कि जब यजीद ने बोला कि ये कहा कि सज्जाद जाओ कह दे आजाद है, तो कहा कि इसका अख्तियार मेरी पुत्री ज़ैनब के है, मुझे नहीं, इमाम ज़माना वो है, इमाम मासूम वो है, लेकिन मकामे सानिये ज़हरा देखें कितना बुलंद है। अम्मा यजीद कह रहा है कि कहते आजाद है करबला जाना चाहो करबला चले जाओ, मदीना जाना चाहते हो मदीना चले जाओ। बेटा सीधा के कहते हो मैंने तो अभी तक अपने भाई का माता भी नहीं किया, मैंने तो अभी तक अपने भाई के गांव में गिरिया नहीं किया, मैं ज़ैनब उस वक्त तक शराब से नहीं जाऊंगी जब तक अपने भाई की आजादारी मुहरत ना कर लूं, उससे कहोगे काले पर्दे दिए जाए, शाम की औरतों की इजाजत दी जाए और हम अपने भाइयों का मातम करना चाहते। हमारे उस्ताद बुजुर्गवार फरमाया करते थे कि खुद सोचो कि करबला से लेकर कूफा और कूफा से लेकर शाम तक ज़ैनब रोती होंगी, लेकिन ज़ैनब किसने रोते हुए देखा नहीं। क्यों? इसलिए बीबी ने ये फैसला कर लिया था अगर मैं रोऊंगी तो मुझे रोता देख के औरतें रोएंगी, औरतें रोएंगी तो छोटे बच्चे रोएंगे, इस काफले को कौन संभाल के चलेगा। लेकिन अपने ऊपर जबर कर लेना जब्त कर लेना एक अलग, लेकिन जो गम दिल में है वो तो खत्म नहीं होता ना। इसलिए कहती है कि जो दुखी हो जाए उसको रोना दिया करो जी, उसका आंसुओं के जरिए गम जगरत हो जाएगा। इजाजत मिल गई है दादा रो काले पर्दे वैसा कर दिए गए। मैंने कल आपको बताई थी जिंदान की कैफियत कि जिसकी छत नहीं थी सीधी गर्मी पड़ती थी, सीधी सर्दी पड़ती थी और बीवियों को चेहरों के रंग उधड़ गए थे, रंग तब्दील हो गए थे, खाल उधड़ गई थी,
जब पहली मर्तबा ज़ैनब को खुल के रोने का मौका मिला तो अपने भाई का कटा हुआ सर सामने रख लिया और रो रो के बताना शुरू किया, भैया तेरे पास तेरी बहनों के सरों से चादरें छीनी गई, भैया तेरी बहनों को बाजारों और दरबारों में फिरना फिराया गया, तेरी ज़ैनब को खुतबे देना पड़े ना महरमों से हम कलाम होना पड़ा, कितने दुख थे जो ज़ैनब ज़ुबान पे बयान किए जा रहे हैं। कहा लेकिन फिर भी कई ऐसे रब थे जो ज़ैनब बयान नहीं कर सकी। सज्जाद ने यज़ीद से कहा कि मुझे 3 महमल चाहिए। जरा गौर किया करो, जब मदीना से हुसैन चले थे तो 53 ऊंटों पर औरतें और बच्चे थे और आज सज्जाद 3 मांग रहे हैं, या ये रिवायत के कर्बला से जब चले थे तो 53 थे तो बाकी मुसाफिर कहां गए। अच्छा तो आप सुनते रहते हैं कि माओ के तो हाथ बंधे हुए थे, बच्चे अपने माओ के दामन को थामे होते, बेगैरत ताजियाने मारते, बच्चों के हाथ छूट जाते, जमीन पे गिर जाते, मां डरती रह जाती, ऊंट आते राव के गुजर जाते, रो के कहते अल्लाह के हवाले मेरी जान, तेरी माँ की बेबसी है। और ये वाकया मशहूर है कि उसी रास्ते में एक शख्स जब वो सफर कर रहा था उसे एक बच्चे की लाश नजर आई, उसने कब्र खोल दी, उसको दफन किया, दफन करके जब चलने लगा ना एक बीवी की आवाज आती है, मैं तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ, तूने मुझ पे एहसान किया है। कहता आगे चला तो एक और बच्चे की लाश वो दफन की, फिर उसी बीवी ने शुक्रिया अदा किया, फिर आगे चला, मैं चलता रहा लाशें दफन करता रहा, बीवी शुक्रिया अदा करती रही। था जब एक जगह पहुंचा ना तो एक बच्ची की लाश थी, मैंने जब कब्र तैयार कर ली ना तो उस वक्त वो बीवी कहती है अब इसको हाथ ना लगाना, इसका बारे साहब चाहता है। उस वक्त मैंने देखा एक कैदी कैदियों बिड़ियों में मसरूफ वहां पर पहुंचा और उस बच्ची के लाशे को उठा के दफन किया। मैंने पूछा कैदी तू कौन है, ये बीवी कौन है? उस वक्त सज्जाद फरमाते हैं कि ये आले मोहम्मद के बच्चे हैं, पहले तो बच्चे थे तो दफन करता रहा, अब हमारी हैरत का सवाल था ये दफन होने वाली बच्ची थी, इसलिए मुझे आना पड़ा, जो तेरा शुक्रिया अदा कर रही है ना, ये रसूलुल्लाह की बेटी फातिमा शिकस्ता पहलू ज़हरा है जो कदम कदम पे तेरा शुक्रिया अदा कर रही है। तो ज्यादा 3 महीनों पे सज्जाद चंद मुसाफरों को लेके करबला की तरफ रवा दवा है। जैसे जैसे करबला करीब आती जा रही है पर चंद कलमे अर्ज करने हैं। ऐन चेहलम के दिन हुसैन करबला में पहुंचे। ये अलग रिवायत है को पहला था या दूसरा था, लेकिन साल की रिवायत ज्यादा मशहूर है। इरादा था कि चंद दिन कयाम करेंगे, लेकिन करबला पहुंचते ही ज़ैनब ने एक काम किया था, सज्जाद को बुला के ना सज्जाद का बाजू पकड़ा, अपने भाई की कब्र पे बैठ गई, सज्जाद का हाथ भाई की कब्र पे रख के ज़ैनब ने रो के कहा भैया हुसैन उठो, अपनी अमानत संभाल लो, मैं तेरे सज्जाद को बाजार दरबार से बचा के लाई। अजर को ज्यादा से ज्यादा 3 दिन प्याम किया था, तीसरा या चौथा दिन था। सज्जाद आके अम्मा से कहते अम्मा चलो तैयारी करो मदीना चले, अगर मैं चंद दिन और यहाँ रह गया ना तो चंद मुसाफिर बचा के लाया हो ना इनमें से भी कोई जिंदा मदीना नहीं पहुंचेगा। पता था 2 कलमे अर्ज करने हैं, हुक्म मिल गया, बीवियां महलों पे सवार हो गई। सज्जाद कहते अम्मा एक मत पर देख लो कोई बीवी रह ना जाए। वो आजादा जब ज़ैनब ने देखा ना तो रो के कहा बेटा सज्जाद हुसैन के घर की रौनक, हुसैन की मलका रुबाब मुझे नजर नहीं आ रही, अली असर की मां नजर नहीं आ रही। अजाद सज्जाद ने पत्थर की तरफ देखा, बाबा की कब्र पे एक पुरका पोश बीवी बैठी है। काफले को छोड़ के सज्जाद जब वहां पहुंचे का देखा कि जनाबे रुबाब
आका की कब्र में बैठी रो रही है। सज्जाद ने आगे बढ़ के सलाम किया, अम्मा कहती बेटे का सलाम हो। आजाद रुमाल ने आगे बढ़ के सज्जाद के कड़ियों वाले जख्मी हाथों पे बोसा दिया। बोसा दे के पूछा, बेटे सज्जाद क्यों आए हो? कहा, अम्मा हम मदीना जा रहे हैं, मदीना जाने के बारे में क्या ख्याल है? आजाद रुमाल रो के कहती है, बेटा मदीना जाए मदीना वालियां,